मॉर्निंग बच्चों, आप सभी बच्चे कैसे हैं? अच्छे हैं ना? आज बच्चों हम गणित में पढ़ेंगे सबसे बड़ा सबसे छोटा। ओके बच्चों, तो हम शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, सबसे छोटे पेड़ पर सही निशान लगाएं। यहाँ पर देखिए बच्चों, तीन पेड़ दिए गए हैं। ये देखिए, ये सबसे छोटा है, ये सबसे बड़ा है और ये इससे थोड़ा सा छोटा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लगाना है, सबसे छोटे पेड़ पर निशान लगाना है, वो भी सही का। ठीक है, तो बच्चों इसमें से सबसे छोटा कौन सा पेड़ है? ये वाला। तो हम सही का निशान इस पे लगाएंगे। ओके बच्चों, पहचान हो गई ना सबसे छोटे पेड़ की? इसी तरीके से बच्चों, सबसे बड़े जानवर पर सही निशान लगाएं। यहाँ पर देखिए, ये क्या है? डॉगी। ठीक है, इससे छोटा क्या है यहाँ पे? बिल्ली का बच्चा। यहाँ पर एलिफेंट। अब यहाँ पे लिखा सबसे बड़े जानवर पर गोला लगाएं, ये सही का निशान लगाएं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सबसे बड़ा जानवर क्या है? हाथी। तो हम हाथी पर सही का निशान लगाते हैं। ओके बच्चों, अब यहाँ देखिए, सबसे छोटे फल पर सही का निशान लगाएं। यहाँ पर देखिए, ये क्या है? आम। ये क्या है? तरबूज। ठीक है, सबसे छोटा फल क्या है ये हमारा? चेरी। ठीक है, तो ये इस पर हम सही का निशान लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सबसे छोटा है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, सबसे बड़े बुलबुले पर सही निशान लगाएं। सबसे बड़ा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सबसे छोटा, इससे थोड़ा सा बड़ा, इससे बड़ा और सबसे बड़ा ये वाला बुलबुला है, तो हम इस पे सही का निशान लगाएंगे। ओके, इसी तरीके से देखिए, यहाँ पर ऊपर नीचे, यहाँ पर एक पार्क का चित्र है, इसमें झूले बने हुए हैं। ठीक है, पेड़ है। अब यहाँ पर देखिए, बच्चा कहाँ पर है? झूले के ऊपर, और ये कहाँ है? नीचे। तो ये हो गया ऊपर और ये नीचे। अब यहाँ पर देखिए, ऊपर वाले मटके पर सही निशान लगाएं, जो सबसे ऊपर है। यहाँ पे देखिए, तीन मटके हैं ना, एक दो तीन, सबसे ऊपर क्या है? ये रहा। तो हम इस पर सही का निशान लगाएंगे। ठीक है, यहाँ देखिए, सीढ़ियों के नीचे वाले जानवर पर सही का निशान लगाएं। अब सबसे ऊपर ये वाला जानवर है ना, सबसे नीचे का है ये रहा, तो हम इस पर सही का निशान लगाएंगे। इससे बच्चों हमें पता चला, ऊपर नीचे, बड़ा और छोटा। आज हमने क्या सीखा बच्चों? बड़ा और छोटा और ऊपर नीचे। इसी तरीके से बच्चों, आप अपनी बुक में देखकर पहचान कर सकते हैं और सही का निशान लगा सकते हैं पहचान कर, और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप घर पे बैठ के करेंगे ना प्रैक्टिस? हाँ जी बच्चों। ओके, बाय।